नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सरकार नौकरी भर्ती जुड़ी अपडेट देता रहता हूं, तो आज मैं फिर आपके लिए बड़े अपडेट लेकर आऊं। अपडेट ये है कि एचएसएससी ने 31,000 के करीब पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया था कि 31,000 के करीब जो पद भरने हैं उनके लिए जो है 16 मार्च 2023 को ऑनलाइन लिंक जो उपलब्ध करवा दिया जाए, लेकिन वो अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया और उसको लेकर के नोटिस जारी किया। इसमें बताया गया कि एचएसएससी को अनेक विभागों की तरफ से अभी भी जो है पदों के लिए जो है डिमांड आ रही है और उसके लिए जो है दोबारा फिर से जो है एक नोटिस और जारी किया जाएगा पदों को लेकर के। सारे जब पद पहुँच लेंगे, पदों की डिमांड जब सभी पदों की डिमांड जो है एचएससी के पास पहुँच जाएंगी, तो एचएससी एक और नोटिस जारी करेगा और उसके बाद जो है ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक जारी करेगा। तो इसको लेकर के जो है सभी साथियों ने जो है एक प्लानिंग बनाई है एमपीएसडब्ल्यू साथियों ने कि एमपीएसडब्ल्यू भर्ती को लेकर के क्यों ने डीजी हेल्थ से पंचकूला में मुलाकात की जाए। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ साथियों का मेरे पास फ़ोन भी आया था कल और मेरे पास जो है मैसेज भी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप इसको लेकर के एक वीडियो बनाइए ताकि सभी बच्चे जो है पहुंच सकें। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि 20 मार्च 2023 को सुबह 9 बजे सेक्टर 6 में सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और 9 बजे के बाद जो है करीब ये लगा लो भाई 9 से 10 के बीच जो है जो पंचकूला में अपने डीजी हेल्थ है सेक्टर 6 में, तो वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात की जाएगी और एमपीएसडब्ल्यू भर्ती हुए लेकर के जो है उनके समक्ष जो है डिमांड की जाएगी और उनसे गुजारिश की जाएगी कि मैडम हमारी भर्ती को आए करीब 8 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई, जबकि अन्य भर्तियाँ जो है कई बार आ चुकी हैं। तो इसी को लेकर के जो है सभी साथी इकट्ठे होंगे और डीजी हेल्थ मैडम से मुलाकात करेंगे और सभी साथी जो है मिलजुल कर एकजुट होकर के जो अपनी डिमांड रखेंगे। तो सभी साथियों से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 तारीख को जो है पहुँचें सेक्टर 6 में और अपना सहयोग करें ताकि जो है एमपीएसडब्ल्यू भर्ती निकलवाने के लिए जो है जल्द जल्द कार्रवाई की जा सके। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें और जितने साथी जो है चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, भाई उन सभी से मेरी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आने वाले टाइम में जो है नोटिफिकेशन आएगा या जो भी अपडेट आएगा बढ़ती हुई लग रही मैं आपको पहुँचा सकूँ। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।